हेलो फ्रेंड, देवेश कुमार झा पटना से। मैं एज ए लैब इंचार्ज हूँ यहाँ पे। आज आपको हम ले चलते हैं, एक कोल टेस्टिंग करना सिखाएंगे, जिस कोल के अंदर मॉइस्चर का परसेंटेज कैसे जानते हैं और क्या उसका सही तरीका है और कैसे उसका परसेंटेज निकालना है, वो सब चीज़ हम आज बाई प्रैक्टिकली देखेंगे। क्योंकि थ्योरिकल तो मुझे मिल जाता है, थ्योरी इंटरनेट पे, लेकिन भाई प्रैक्टिकल नहीं मिलता। मैंने भी कई बार सर्च किया, मुझे नहीं दिखा, तो मुझे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, आज कुछ कोशिश करते हैं अच्छा समझाने का। देखिए, हमारे पास एक सैंपल है जो ट्रक में से लेके आया है। लगभग आप मॉइस्चर के लिए 5 से 7 किलो सैंपल ले लीजिए, भी ऊपर से 1.5 फीट गड्ढा कर लीजिए ट्रक में। क्योंकि होता क्या है कि जब कोयला लोडिंग होता है ट्रक में, उस टाइम पे तिरपाल से ढक दिया जाता है भींगने की वजह से, और वो मॉइस्चर बना लेता है ऊपर। 1.5 फीट काफ़ी नमी रहता है उसमें, स्टिंग बना रहता है, जिसकी वजह से अगर ऊपर 1.5 फीट अगर करिएगा तो मॉइस्चर का परसेंटेज बहुत हाई आएगा। इसीलिए आप ऊपर से 1.5 फीट छोड़ के नीचे से सैंपल लीजिए और 5 से 10 किलो अलग अलग जगह से थोड़ा थोड़ा उठा लीजिए। जिस टाइम पे सैंपल लीजिए, उस टाइम पे गाड़ी का नंबर ज़रूर डाल दीजिए उसमें, ताकि आपको ये पता रहे, क्योंकि कई सारे गाड़ियाँ होती हैं तो उसमें कन्फ्यूज हो जाता है किसका कौन सा सैंपल है। और इसका ऐसे 5 से 6 टुकड़े हमने लेके इसका कुछ पीस लेके, 5 से 7 पीस लेके हमने इसको छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। पहले छोटे छोटे पीस करके इसको बराबर कर लेना। वैसे तो इस तरह के खल मूसल माम जिस्ता जिसको बोलते हैं, उसमें एक कोयला डाल के छोटे छोटे 8 से 10 और इसको मैंने पीस अब छोटे छोटे कर लिए हैं। अब देखिए, छोटे छोटे पीस करने के बाद ये कुछ इस तरह के देखेंगे, इतने बराबर बराबर के पीस कर लीजिए ताकि मॉइस्चर अच्छे से पता लगे आपको। अब इसको हम वापस इसको मिला लेते हैं। अब इसमें से मैंने ये सैंपल ले लेना है मॉइस्चर के लिए, इतना ही सैंपल ले लेना है जितना हमें सुखाने के लिए यूज़ करना है। अब मैं इसको इलेक्ट्रिक बैलेंस पे इसका वेट कर लूँगा कि कितना आ रहा है। जितना भी वेट आएगा वो हम पहले नोट कर लेंगे। ग्लास बंद कर दें। ₹63,400 ये आप वजन नोट कर लें। ये मॉइस्चर सैंपल लगाने से पहले का है, और जब सैंपल निकालेंगे आप ओवन से, उसके बाद वेट करना है। अब मैंने ये सैंपल निकाल लिया है, अब इसको ओवन में रखना है लगभग 1 घंटा, और 100 से लेके 105 डिग्री ओवन का जो है वो टेम्परेचर रखना है आपने। अब मैं देख लेता हूँ, जैसे मेरे ओवन का टेम्परेचर इस टाइम पे 80-81 डिग्री के आसपास है, ये यहाँ से सेट होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर सेट होता है, हमसे पहले चेक कर लेंगे सेट कितने पे है। 99 पे सेट है, ठीक। इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं 99 डिग्री तक, उसके बाद ये सैंपल रखेंगे, टाइम देख लेंगे, टाइम नोट करके रख लेंगे 1 घंटा के लिए। चलिए, अब मेरा ओवन का टेम्परेचर जो है वो हो गया है 100 डिग्री, 100.901 दिखा रहा है। आप इसको 99 तक सेट करके रखिए, 5 का फ्लक्चुएशन रहता है इसमें, 100 से लेके 105 तक जाएगा, इसलिए आप 100 पे इसको सेट करके रखिए। अब मेरा कि 99 पे सेट है, इसीलिए मैं इसको 101 इसमें डाल रहा हूँ सैंपल। ज़्यादा से ज़्यादा ये 105 तक जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। अभी एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है,
अब मैंने इसमें सैंपल रख दिए हैं। सैंपल रखने के बाद अब हम इसका टाइम नोट कर लेंगे, कितने बजे मैंने सैंपल रखा है इसमें। तो मेरे पास अभी टाइम हो रहे हैं 2:13। अब मेरा 1 घंटा हो गया है, तो अब ये मैं सैंपल अपना मॉइस्चर के लिए जो रखा था वो निकाल लूँगा। और निकालने के बाद इस सैंपल को मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगा। डेसिकेटर है, इस डेसिकेटर में मैं इसको रखूँगा 15 मिनट के लिए, जब तक ये सैंपल ठंडा ना जाए। इसको ओपन में ठंडा नहीं करना, इसको हमेशा डेसिकेटर में ही रख के ठंडा करना होता है, ताकि एक्स्ट्रा। अब 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं ये सैंपल निकाल के इसका पुनः वेट कर लूँगा। सैंपल लगाने से पहले था मेरा 63,400, अभी आ रहा है 59.030 ग्राम। तो मेरा इस तरीके का था वेट ऑफ कोल्ड सैंपल हमने लिया था। ग्रॉस वेट था जो भी, वो था 63,400 मिलीग्राम। और उसके बाद टाइम था हमारा 2:13 पे, हमने 1 घंटा रखा था उसको, 3:13 तक रखा था। और जो हमारा टेयर वेट है वो यहाँ पे लिखेंगे, जो ग्लास वॉच ग्लास का वेट होगा जिसमें मैंने सैंपल लिया था वो टेयर वेट हो जाएगा। उसके बाद हमने इसका निकालना है नेट वेट। टेयर वेट से मैंने ग्रॉस वेट से टेयर वेट घटा देना है। टेयर वेट हो गया हमारा 59,008 मिलीग्राम। अब मैंने ग्रॉस वेट से टेयर वेट घटा देना है, मेरा था 63,400। तो माइनस 59,008 ये आ गया आपका 4,992। मैंने खाली वॉच ग्लास का वेट कर लेंगे। बत्तीस तीन सौ पच्चीस। अब ग्रॉस वेट में से मैंने माइनस कर देना है 32,325। अब मैंने इसका देख लेना है कितना आ रहा है। तो नेट वेट आ जाएगा मेरा 31,075 / 4 डिफरेंस, जितना डिफरेंस आया था दोनों में, जितना सैंपल हमारा जल चुका है, बर्न हो गया है, जो मेरा मॉइस्चर था 4,392। हमारा नेट वेट जितना आया था, नेट वेट में से जितना सैंपल हमारा जल गया, बर्न हो गया, जो उसको मैंने उससे डिवाइड कर देना है। तो 4,392/31,075 यह आ गया 0.14 इंटू परसेंटेज में निकालना है तो 100 = 14.133।
टू मॉइस्चर का परसेंटेज आएगा 14.13% इसमें मॉइस्चर का। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसमें से कुछ नहीं समझ में आया होगा, मैं भी पहली बार ही वीडियो बनाया हूँ, तो ज़रूर आप कमेंट करें, मैं दोबारा से बनाने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। तो मेरा मोबाइल नंबर है 8847511447, आप फ़ोन करके डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।